हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, क्या एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 4.2, वो भी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का। और ये बहुत 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 सरल है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से क्या करते हैं हम लोग अपने कंपस से कैसे इन सब चीजों को बनाते हैं। बट इन सब को स्टार्ट करने से पहले मैं एक्सरसाइज को थोड़ा आपको बताना चाहूंगा कि यहां पे क्या क्या चीजें हमें दिया है। देखो प्यारे बच्चों, ये जो एक्सरसाइज है 4.2, जैसा कि हम जानते ही हैं कि जो 4.2 एक्सरसाइज है, यहां पे हमें क्या दिया है, तीन साइड दी है और दो डायगनल दिया। क्या दिया है? तीन साइड दिए और दो डायगनल दिया गया है। तो यहां पे हमें कुछ नहीं करना है, क्या करना है, सबसे पहले क्या दिया है, दो डायगनल। जब भी डायगनल की बात है, क्या बात है, डायगनल, ये कभी भी आपको ये चीज जो मैंने यहां पे लिखी है ना, तीन साइड दो डायगनल, ये ऐसा लिखा नहीं रहेगा, क्या रहेगा, लिखा नहीं रहेगा। आप क्या करोगे, रफ डायग्राम बनाओगे। सबसे पहले क्या मैंने बताया था, रफ डायग्राम बनाओगे और डायग्राम को जब देखोगे, अगर एक डायगनल दिया है तो इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, आपको फोर साइड और वन डायगनल वाला कॉन्सेप्ट दिया गया है। बट अगर दो डायगनल दिया गया है, इसका मतलब क्या है, आपको दो डायगनल और तीन साइड वाला कॉन्सेप्ट दिया गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, उम्मीद करता हूं आ रहा होगा। तो आपको क्या, पहला रफ डायग्राम बनाओगे तब ही पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो अब हम इन सबको कैसे बनाएंगे, इन सबको कैसे बनाएंगे, याद रखना प्यारे बच्चों, चाहे फोर डायगनल और फोर साइड और वन डायगनल दिया हो या तो तीन साइड और टू डायगनल अगर दिया हो, तो हमें कुछ नहीं करना है, क्या करना है, सबसे पहले हमें एक डायगनल चूज करना है। क्या, एक डायगनल चूज करना है। जैसे कि हमने कोई भी डायगनल ले लिया, मान लेते एसी डायगनल ले लिया, ठीक है। अब इसी डायगनल पर सबसे पहला काम हमारा होगा ट्रेंगल बनाना। क्या होगा, ट्रेंगल बनाना। तो आपको देखना है सबसे पहले कि कौन सी दो साइडें दी हैं, और जिनकी दो साइडें दी होंगी, जैसे मान लेते नीचे साइड दिया है, जैसे ए बी, बी वाला यहां पे ले लेते पॉइंट, जैसे बी की साइड दी गई है, तो आप क्या करो, पहले ए बी बनाओगे और सी बी बनाओगे। अगर ये दोनों साइडें दी गई है तो ये वाला आप बनाओगे पहले, या अगर ये दिया गया है, अगर डी वाला दिया गया है, मतलब ए डी दिया है, हाँ कि ना, ए डी दिया है और डी सी दिया है, तो ये ट्रायंगल पहले बनाओगे। तो क्या करोगे, याद रखना, अगर ये क्या है, एक डायगनल दिया है तो ऐसे बनाओगे, अगर दो डायगनल दिया है तब भी इसी तरीके से बनाओगे। क्या करोगे, पहले क्या करोगे, कोई भी दोनों में से एक डायगनल चूज कर लिया और फिर क्या करोगे, एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करोगे। ठीक है, अगर जो साइडें दी गई होंगी उसी अनुसार आप बनाओगे। सब कुछ अच्छे से समझे, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक ये भी नहीं समझ आया तो अभी हम लोग जाएंगे, अभी हम लोग A4 शीट पे बहुत ही अच्छे तरीके से कंपस वंपस से बना के देखेंगे। ठीक है, देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही अच्छे से देखेंगे। तो यहां पे हम देख सकते हैं क्या है, रफ डायग्राम कैसे बनाओगे। जैसे हमें LIFT दिया है तो हमने यू आंखें बंद करके यू LIFT बनाएंगे, ऐसे बना दिया, और ये LIF और ये हमने यहां पे बना दिया LIFT बना दिया। ठीक है, अब जब मैंने LIFT बनाया तो अब मुझे क्या करना है, LI की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर लिख दिया, 4 सेंटीमीटर। IF की वैल्यू क्या है, 3 सेंटीमीटर, ये देखो IF की लिख दिया, 3 सेंटीमीटर। IT की कितनी है, 2.5, ये देखो IT की लिख दिया। LF की कितनी है, क्या है, LF, अब देखो LF दे रहा है, क्या दे रहा है, LF दे रहे हैं भाई साहब, तीन साइड दी है, देखो तीन साइड लिखा है, तीन साइड लिख दिया, तीन साइड भी दिए। LF की वैल्यू क्या है, 4.5 सेंटीमीटर दी है, देख रहे हो LF की वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर। और IT ये देख रहा हूं, ये देख रहा हूं, IT दी है कितनी, 4 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो कि हमारा ट्रेंगल दो जहां पे बन रहा है, एक इस वाले डायगनल से भी हमारा ये वाला ट्रेंगल बन जाएगा, और इस वाले साइड से हमारा ये वाला ट्रेंगल बनेगा, क्योंकि ये वाली और ये वाली साइड दी है, तो ये वाला ट्रेंगल बन जाएगा हमारा। ठीक है, और अगर हम लोग ये वाला ट्रेंगल चूज करेंगे तो ये ट्रेंगल बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होगा, ट्रायंगल बनाना। ठीक, ट्रायंगल बनाना, साइड ए से मतलब डायगनल जब खींचोगे तो सबसे पहला स्टेप डायगनल नहीं, धरती की बात क्या करूं, सबसे पहला क्या आपका स्टेप, डायगनल को खींचने के बाद क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, ट्रायंगल बनाओगे, ट्रायंगल। ठीक, इसी साइड से पे जो ट्रायंगल बन रहा होगा रफ डायग्राम पे, वही बनाने की कोशिश करोगे, और जब ये बन जाएगा तो चुटकी में आपका ट्रायंगल, मतलब ये जो कोऑर्डिनेटर है, वो सॉल्व हो जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरीके से इसका भी रफ डायग्राम यू 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 बना लोगे। अब बात करते हैं रोम्बस की, तो रोम्बस में देख लेते हैं कुछ बी ऐसे ऐसे
कोई रॉम्बस बनता है, इसी तरीके से क्या होगा ये भी सॉल्व होगा, देख लेना आप। अब जैसे बी एन है और ई डी दिया है, तो बेंड है बी ई एन डी, ठीक है। अब इसको वही लोग सॉल्व कर पाएंगे अच्छे से जिनको रॉम्बस की प्रॉपर्टी पता हो, क्या प्रॉपर्टी कि रॉम्बस क्या होता है। रॉम्बस क्या होता है प्यारे बच्चों, ये 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 रॉम्बस की क्या होता है, ऑल साइड क्या होती है, ऑल साइड इक्वल होती है। किसमें, रॉम्बस में ऑल साइड इक्वल होती है, सारी की सारी साइडें इक्वल होती हैं। और साथ ही साथ याद रखना इसके डायगनल जो होते हैं डायगनल वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट भी करते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं, ठीक है। अब देखो हमें दिया है बी एन, बी एन मतलब ये डायगनल दिया है भाई साहब मुझे, ये वाला डायगनल दिया है, बी एन कितना है हमारा 4.6 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। अब साथ में हमें दिया गया है डी ई, क्या दिया गया है, डी ई दिया है, क्या बात है, हमें क्या दिया गया है, डी दिया है, डी दिया है 4.5 सेंटीमीटर, क्या दिया है, डी दिया है, देख रहा हूं, देख रहा हूं कितना सारा कुछ नहीं है, क्या है बी एन, क्या है बी एन, बी एन दिया है हमें कितना दिया है, बी एन दिया है 5.6 सेंटीमीटर और डी दिया है कितना दिया है, डी दिया है हमें 6.6 क्या है, ये दिया है 6.5 सेंटीमीटर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक डायगनल बनाना है, बना दिए, कोई भी डायगनल ले लेंगे, क्या करेंगे, कोई भी डायगनल ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करोगे, इस डायगनल को क्या करोगे, इस डायगनल को बाइसेक्ट करोगे, इस डायगनल को बाइसेक्ट करोगे। अब जैसे ही बाइसेक्ट कर दिया, क्या किया, बाइसेक्ट कर दिया आपने, बाइसेक्ट करने के बाद यूं बाइसेक्ट कर दिया आपने, और बाइसेक्ट करने के बाद क्या होगा आपको, आप क्या करोगे, ये जो जैसे कोई भी आपने जैसे मान लिया इसको लिया है 5 point, आपको ने ले लिया 6.5 ले लिया, इसको क्या कर लिया 6.5 ले लिया, डी को डी आपने बनाया 6.5 मान लेते हैं, 6.5 ऐसे आपने बना लिया, चलो इसे मैं रब करता हूं बता देते हैं, ठीक है। क्या किया आपने, डी मान लेते हैं, डी 6.5 बना लिया, डी बना लिया, ये डायगनल आपने बना लिया, डी आपने 6.5 बना लिया। अब क्या करना है आपको, इसको बाइसेक्ट करना है, यूं करोगे तो कुछ क्या होगा, बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में आपको डिवाइड करना है, तो इक्वल पार्ट कितना हो जाएगा 3.25, क्या हो जाएगा 3.25। तो याद रखना ये जो जब आप बाइसेक्ट करोगे, यूं कर दिया तो ये वाला इतना वाला भाग और इतना वाला भाग हो जाएगा 3.25 और ये वाला हो जाएगा 3.25, नीचे वाला भी 3.25। अब याद रखना कि जब बाइसेक्ट करोगे तो ये तो बाइसेक्ट होगा, ये तो इक्वल में होगा, साथ ही साथ जो डायगनल है भाई साहब, ये वाला डायगनल और ये वाला आधा पोर्शन क्या होगा, ये भी हाफ हो जाएगा, और ये भी क्या है डायगनल है, तो ये भी क्या है 5.6 दिया है, क्या दिया है 5.6 दिया है, इसका हाफ कितना होगा 2 point हो गया, हाँ कि ना, 2 point हो गया कि नहीं, हाँ, 2 जा और 2 8 जा, तो ये 2.8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2.8, क्या होगा 2.8। तो याद रखना इधर वाले जो साइड होगा ये आप क्या करोगे, कंपास में 2.8 मेजर करोगे और एक आर्क इस लाइन पे ड्रॉ करोगे, क्या करोगे इस लाइन पे ड्रॉ करोगे, तो ये एक आर्क हो गया, मान लेते हैं ये 2.8 है, तो ये भी 2.8 हो गया, और इधर वाला भी आप क्या करोगे मार दोगे एक आर्क, तो ये भी क्या हो जाएगा 2.8 हो जाएगा। तो आपको सारे पॉइंट मिल गए, ये भी पॉइंट मिल गया, ये भी पॉइंट मिल गया, ये तो आपको पहले पता था, क्या करोगे सबको ज्वाइन कर दोगे, आपके पास रॉम्बस तैयार। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अभी कंस्ट्रक्शन करके देखते हैं इन सब चीजों का एक एक करके, कि इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए प्यारे बच्चों देखना शुरू करते हैं ए4 शीट पे अपने कैसे कैसे इसको ड्रॉ करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं।